देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण किया गया है। अभी मैंने देखा नहीं, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग देखेंगे, लेकिन बीते हुए कल से आज का परिचय होना बहुत ज़रूरी है। हम कौन थे, क्या हो गए, आगे कुछ गड़बड़ ना हो, इस बात के लिए इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा जो अभी सुनने से समझ में आ रहा है कि बहुत शानदार पिक्चर बनाई गई है, और इस फिल्म के जो बनाने वाले हैं उन सबको तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन देखने के बाद बोलूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2014 के बाद राष्ट्रवादी फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही हैं, राष्ट्रवादी फिल्में 2014 के बाद बहुत आएगी। ये तो देखिए, ये तो देश को खुश होना चाहिए। राष्ट्रवादी फिल्में बने, तमाम सारे भक्तिभाव से भरे हुए फिल्में बने, तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, इसका वेलकम होना चाहिए। और मैं हर प्रकार से इस प्रकार के प्रयास की सराहना भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। आप इससे संदेशा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पूरी सरकार पिक्चर को देखने जा रही है लोक भवन के अंदर। अकबर पर फिल्म बनी थी, लेकिन देखने के बाद पहले ट्रेंड बदलने के बाद नहीं है, पहले सच को दबाया जाता था, अब सच बाहर आ रहा है, और सच बाहर आना चाहिए ही। सच सच है, झूठ झूठ है, तो सच्चाई को बाहर लाने का प्रयास जो भी विशेष तौर से फिल्म निर्मातागण हैं, जो इस क्षेत्र में जो अभिनेता अभिनेत्रीगण हैं, सबके लिए मैं ये मानता हूं कि ये एक अच्छा समय, सही बातें सामने आनी चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।